तो अगर आप लोगों में से कोई एक बेस्ट और अच्छा सा स्मार्टफोन लेने को सोच रहा है, वो चाह रहा है कि उसको एक अच्छी सी बैटरी लाइफ वाला और एक अच्छा सा प्रोसेसर और एक अच्छी सी डिस्प्ले वाला एक ज़बरदस्त फ़ोन मिल जाए 12,000 रुपये की कीमत में, तो कोई वो गलत नहीं सोच रहा है। अगर आप भी एक अच्छा सा बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं 12,000 रुपये की कीमत में, तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस आप लोगों के लिए मौजूद हैं कि आप 12,000 रुपये की कीमत में एक अच्छा ज़बरदस्त पावरफुल एंड एफिशिएंट फ़ोन ले सकते हैं, जहाँ पर आपकी सारी ज़रूरतें नीड्स पूरी हो जाएं। अगर देखा जाए तो 12,000 रुपये की कीमत में आपको एक ज़बरदस्त एंड पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप गेमिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हैं और डे बाय डे में यूज़ कर सकते हैं, और आपको एक अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, वहीं पर आपको एक अच्छी बैटरी लाइफ भी मिल जाती है और एक ज़बरदस्त कैमरा परफॉर्मेंस मिलती है, जिससे कि आप अच्छे पिक्स ले सकें। तो अगर आप एक ऐसा फ़ोन लेना चाह रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यहाँ पर टॉप 3 बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 12,000 की रेंज में। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए और आप लोगों को बताते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा दबाकर, और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो एक 12,000 रुपये की कीमत में अच्छा सा फ़ोन लेने को सोच रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ पर तीसरा स्मार्टफोन निकल कर आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, हॉट 11S। अगर बात करें इस फ़ोन की, तो एक बहुत ही अच्छा फ़ोन निकल कर आता है। इसमें आपको कमाल की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है और ये फ़ोन में जो स्पेक्स है वो आपको अच्छी लगती है। वहीं पर अगर बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आप लोगों को ज़बरदस्त प्रोसेसर मिल जाता है, उसके साथ साथ में आप लोगों को अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस मिल जाती है और एक बैटरी लाइफ भी बेटर मिल जाती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो इन्फिनिक्स एक अभी नई कंपनी है, तो ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फ़ोन अपने अच्छे ही निकालती है। चलिए जानते हैं इस फ़ोन के स्पेक्स और प्राइस। अगर बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आप लोगों को 6.78 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है इस फ़ोन में, जहाँ पर आप लोगों को इस फ़ोन में डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है, वहीं पर एजेस और चिन बहुत ही पतले मिलते हैं। फ़ोन देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है, बड़ा लगता है। वहीं पर आप लोगों को अगर बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आप लोगों को मीराटेक हीलियो G88 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक पावरफुल एंड एफिशिएंट प्रोसेसर है, जहाँ पर आप गेमिंग कर सकते हैं और डे बाय डे में आराम से यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन आपका लैग और हीटअप नहीं होने वाला है। अगर बात करें इस फ़ोन की रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर आप लोगों को 4GB रैम मिल जाती है और साथ ही साथ 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें इस फ़ोन के कैमरे परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आप लोगों को 50MP का कैमरा मिलता है 1.6 अपर्चर्स के साथ। यहाँ पर 2MP का सेंसर आप लोगों को एक मिल जाता है, प्लस AI मिलता है। अगर बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो आप लोगों को 8MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। तो साथ ही साथ कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी मिलती है आप लोगों को इस फ़ोन से। वहीं पर अगर बात करें इस फ़ोन के बैटरी की, तो यहाँ पर आप लोगों को 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, और इसमें आप इंटरनल स्टोरेज 256GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। फ़ोन देखने में काफ़ी स्टाइलिश लगता है और अच्छा लगता है, तो आप इस फ़ोन के साथ जा सकते हैं। इस फ़ोन के अगर प्राइस की बात करें, तो ये फ़ोन आप लोगों को मिल जाता है 11,000 रुपये की कीमत में, आप लोगों को आराम से फ़ोन मिल जाता है। दूसरा फोन हमारा यहां पर निकल कर आता है पोको की तरफ से, पोको M3। ये फोन आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है और 12,000 रुपए की कीमत में एक बहुत ही अच्छा फोन निकल कर आता है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। इस फ़ोन की अगर स्क्रीन की बात करें, डिस्प्ले की बात करें, तो इसमें आपको 6.53 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को इस फ़ोन में मिलती है। वहीं पर आप लोगों को फुल HD का एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें इस फ़ोन के प्रोसेसर की, तो इसमें आप लोगों का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 प्रोसेसर यूज़ किया गया है। वहीं पर आप लोगों को इस फ़ोन में एक अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है, जिसकी मदद से आप गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं और डे बाय डे में इस फ़ोन को यूज़ भी कर सकते हैं। आप लोगों को इस फ़ोन में 4GB रैम मिल जाती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज भी मिल जाता है और 6GB रैम वेरिएंट भी मिल जाता है। अगर बात करें इस फ़ोन के कैमरे की, तो यहाँ पर आप लोगों को 48+2+2MP का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है और 8MP का फ्रंट में कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर आप लोगों को 6000mAh की बड़ी बैटरी आप लोगों को इस फ़ोन में मिलती है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन निकल कर आता है। बड़ी बैटरी, अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और आप लोगों को इस फ़ोन में अच्छी डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो अगर इस फ़ोन के प्राइस की बात करें, तो ये 12 से 12,500 रुपये की कीमत में आ जाता है। कुछ ज़्यादा ऊपर भी हो सकते हैं ये इसके प्राइस, लेकिन ये इस रेंज में सबसे अच्छा फ़ोन है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये फ़ोन के बारे में ज़रूर बताना चाहिए। यह फ़ोन आप ज़रूर ले सकते हैं, अच्छा फ़ोन है। अगर 1,000 रुपये ज़्यादा लग रहे हैं या 500 ज़्यादा लग रहे हैं, तब भी आप इस फ़ोन को ले सकते हैं।
दोस्तों पहला फोन हमारा निकल कर आता है Redmi का 10 Prime। ये फोन आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा फोन है। 12,000 रुपए की कीमत में आप लोगों को ये फोन मिल जाता है और इसमें आप लोगों को एक अच्छी स्पेक्स मिल जाती है। चलिए जानते हैं इस फोन के स्पेक्स और प्राइस। यहाँ पर अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आप लोगों को 6.5 इंचेस की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ ही साथ आप लोगों को बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिलती है। यहाँ पर आप लोगों को डॉट नॉच डिस्प्ले मिलती है, एजेस और चिन पतले मिलते हैं। बात करें इस फोन के अगर प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आप लोगों को MediaTek Helio G88 प्रोसेसर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, जिससे आप डे बाय डे में भी यूज़ कर सकते हैं और गेमिंग वगैरह भी आराम से कर सकते हैं। इस फोन की अगर बात करें रैम मैनेजमेंट की, तो यहाँ पर आप लोगों को 4GB रैम मिल जाती है, 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है। वहीं पर आप लोगों को इस फोन में 50+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिससे कि आप अच्छी खासी पिक्स ले पाते हैं, और फ्रंट में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर बात करें इस फोन के बैटरी की, तो यहाँ पर आप लोगों को 6000mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जो कि आपको काफ़ी अच्छा बैकअप देती है। तो अगर देखा जाए तो ऊपर के दो जो फोन बताए वो काफ़ी अच्छे हैं, पोको M3 और Redmi का 10 Prime। इन दोनों फोन्स में से आप कोई एक फ़ोन ले सकते हैं, दोनों ही फोन्स बहुत ही अच्छे और कमाल के निकल कर आते हैं। अब आप लोगों को इन दोनों फोन्स में से कौन सा फ़ोन सबसे बेस्ट लगा, आप कौन सा लेने को सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये भी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।